सत श्री अकाल सारिआं नूं, स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी च। जिन्हां ने अजे तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं करिआ वो सबसक्राइब कर दो, ते समय समय ते तुहानूं साडी वीडियो दीआं नोटिफिकेशन प्राप्त होंदीआं रहे। तो शुरू करदे हां अज दा टॉपिक, फिट ट्रेड दे जिन्ने भी स्टूडेंट हैगे हन वह सारे जुड़ जाण, ते जिहड़े नहीं है उन्हां नूं शेयर कर दो ताकि ये वीडियो उन्हां तक पहुँच सके, वो अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। अज दा टॉपिक है साडा मार्किंग टूल, ठीक है। पार्ट टू रहूगा, पार्ट वन असी पहला डिस्कस कर लिया, वो साडे चैनल ते जाके प्लेलिस्ट च देख लो। तो 27 नंबर क्वेश्चन है अज दा, ऑक्सीएसटिलीन गैस वेल्डिंग किस तरह की प्रक्रिया है। हिंदी मीडियम च रहूगा यह टॉपिक, साडियां सारिया वीडियो हिंदी मीडियम च रहनगियां। ते ऑक्सीएसटिलीन गैस वेल्डिंग किस तरह की प्रक्रिया है, तो ऑक्सीएसटिलीन सलयन वेल्डिंग है। ऑक्सीएसटिलीन गैस वेल्डिंग सलयन वेल्डिंग प्रक्रिया है। सलयन वेल्डिंग में वेल्ड होने वाली सतहों की धातु को पिघलाने की अवस्था तक गर्म किया जाता है। आवश्यकता अनुसार फिलर मेटल को भी पिघलाकर उसमें मिलाया जाता है। इस प्रकार जोड़े जाने वाली सतहों के मध्य बने वेल्ड पुल की धातु तथा पिलर धातु से प्राप्त धातु को पिंगली अवस्था में आपस में मिलाया जाता है। इसके ठंडा होने पर एक मजबूत जोड़ प्राप्त होता है जिसे फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं, इसे सलयन वेल्डिंग भी कहते हैं। ऑक्सीएसटिलीन गैस वेल्डिंग, ठीक है, इसको फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, सेंटर पंच का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। ये भी DMRC में पूछा गया क्वेश्चन है। सेंटर पंच उच्च कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं तथा इसकी नोक कठोरीकृत तथा टेम्परित होती है जिससे कार्य में गड्ढा बनाया जा सके। इसके द्वारा बनाए गए केंद्र पर छेद करने के लिए बर्मा आसानी से बैठकर क्रिया प्रारंभ करता है। इसकी नोक का केंद्र 60 डिग्री से 90 डिग्री तक रखा जाता है। सेंटर पंच की बात हो रही है दोस्तों, इसका नोक 60 डिग्री से 90 डिग्री तक रखा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है, छिद्रों का स्थान निर्धारण तथा चिन्ह के लिए सेंटर पंच का प्रयोग, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, मार्किंग टेबल को खालिस्तान द्वारा बनाया जाता है। मार्किंग टेबल आर मेड अप ऑफ, इसरो में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों टर्नल ट्रेड के लिए। तो यह मेज फिटिंग शाला में फिटिंग शाला के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है तथा यह दृढ़ माप की होती है और चार टांगों पर टिकी होती है। इसका ऊपरी पृष्ठ मशीन द्वारा समतल बनाया जाता है और किनारे चौरस करके 90 डिग्री पर रखे जाते हैं। इस मेज का उपयोग बड़े कार्यों के चिन्ह के लिए किया जाता है। तो मार्किंग टेबल का प्रयोग बड़े कार्यों के चिन्ह मतलब निशान लगाने के लिए किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, मार्किंग करते समय रिफ्रेश सतह खालिस्तान के द्वारा मिलती है। यह भी क्वेश्चन DMRC में पूछा गया क्वेश्चन है। मार्किंग करते समय रिफ्रेश सतह ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। रिफ्रेश सतह काम करने के लिए, मार्किंग करते समय रिफ्रेश सतह ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। इस रो में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कारपेंटर ट्रेड में, स्टेट द यूज ऑफ मार्किंग नाइफ, अंकन चाकू का प्रयोग बताइए। तो अंकन चाकू का प्रयोग अंकन एवं खुरचने हेतु करते हैं जिसमें मार्किंग के चिन्ह का कार्य करते हैं। 33 क्वेश्चन है, सेंटर पंच का उपयोग बताइए। तो इस रो में क्वेश्चन पूछा गया है, सेंटर पंच का प्रयोग बताइए।
केंद्र पंच यह उच्च कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं तथा इसकी नोक कठोरीकृत तथा टेपरित होती है जिससे कार्य का निर्धारण किया जाता है। इसके द्वारा बनाए गए केंद्र पर छेद करने के लिए बर्मा आसानी से बैठकर क्रिया प्रारंभ करता है। इसकी नोक का केंद्र 60 डिग्री से 90 डिग्री तक रखा जाता है। आगे 34 नंबर क्वेश्चन है, कंपन वाशरों का प्रयोग किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट लूजिंग इन ए बोल्टेड जॉइंट ड्यू टू विब्रेशन खालिस्तान वाशर्स आर यूज्ड। कंपन खालिस्तान वाशरों का प्रयोग किया जाता है। तो स्प्रिंग वाशर का प्रयोग करने से स्प्रिंग नट पर एक बल लगता है जिसके कारण नट और बोल्ट के चूड़ियों के बीच घर्षण बढ़ जाता है और नट ढीला नहीं होता। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, वाइट लेड पाउडर को तारपिन के तेल के घोल में मिलाया जाता है जिसे तैयार मार्किंग मीडिया कहलाता है। तो प्रशियन ब्लू इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। मार्किंग मीडिया का प्रयोग वाइट वाश जॉब की सतह पर सफ़ेद घोल बनाते हैं और कॉपर सल्फेट को पानी में नीला थोथा का घोल होता है। इस मार्किंग मीडिया का प्रयोग परिष्कृत सतहों पर किया जाता है। लेआउट डाई के स्याही का रंग द्रव पदार्थ जैसा होता है, यह जॉब पर जल्दी सूख जाती है। ब्लैक पॉलिश का प्रयोग मार्किंग मीडिया में नहीं किया जाता क्योंकि काले रंग का पॉलिश होने के कारण जॉब पर दिखाई नहीं देगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, डिवाइडर का साइज लिया जाता है। डिवाइडर का साइज मार्क वर्किंग पॉइंट और रिवेट या पिवेट के केंद्र से लिया जाता है। डिवाइडर एक प्रकार का मार्किंग टूल है, इसकी दो टांगें होती हैं। यह प्राय हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं जिसके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। माइल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं, इसका पॉइंट केस हार्ड किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मार्किंग मीडिया नहीं है, यह भी आरआरबी रांची में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मार्किंग मीडिया नहीं है, तो मार्किंग मीडिया के लिए ब्लैंक पॉलिश का प्रयोग नहीं किया जाता। मार्किंग के लिए वाइट वाश और कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सरफेस प्लेट किस आकृति में नहीं होती, सरफेस प्लेट त्रिभुजाकार आकृति में नहीं होती। इससे उच्च कार्बन इस्पात का बनाया जाता है। इसकी आकृति आयताकार वर्गाकार बनाई जाती है। इसके द्वारा मार्किंग कार्य भी किए जाते हैं। ट्रेमल एक प्रकार का खालिस्तान औजार है। ट्रेमल एक प्रकार का बहुउपयोगी औजार है। इसका प्रयोग बड़े साइज के वृत्त व चाप की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। ये कार्य के अनुसार 15 से 50 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है, पिन पंच का प्रयोग करते हैं। पिन पंच भी सेंटर पंच की तरह ही होता है। इसका प्रयोग टेपर पिन अथवा क्वार्टर पिन को छेदों से निकालने के लिए किया जाता है। मार्किंग ऑफ टेबल की सतह पर इंग्रेवेड लाइंस का उद्देश्य है। मार्किंग टेबल की सतह पर इंग्रेवेड लाइंस का उद्देश्य जॉब की सेटिंग के लिए की जाती है ताकि जॉब की मार्किंग अच्छी हो सके। ट्रेमल के बीम की लंबाई होती है। ट्रेमल के बीम की लंबाई 15 से 50 सेंटीमीटर होती है। 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 15 × 10 150 से 500 मिलीमीटर। ट्रेमल की लंबाई 150 से 500 mm तक पाई जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, ढलाई की हुई व फोर्ज की गई सतह पर मार्किंग मीडियम प्रयोग किया जाता है। इस चौक पाउडर का प्रयोग प्राय डलवा लोहा कास्ट आयरन इस्पात की रुक्ष सतह पर की जाती है। सरफेस गेज से लाइन सक्राइबर करते समय सक्राइबर के पॉइंट और जॉब की सतह के बीच में कोण रखा जाता है। इसको 12 डिग्री से 15 डिग्री पर सक्राइबर को ग्राइंडर किया जाता है।
सब्सक्राइबर निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? यह प्राय हाई कार्बन स्टील से बना होता है। इसके पॉइंट को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है, जिसका प्रयोग लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आगे 46 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रैपर डैश धातु के बनाए जाते हैं। स्क्रैपर हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। मशीनिंग करने के पश्चात सतहों पर बचे हुए भागों को कुरच कर समाप्त करने के लिए स्क्रैपर का भी प्रयोग किया जाता है। स्क्रैपर प्राय टूल स्टील के बनाए जाते हैं और इनकी कर्तन धार को कठोर व टेम्पर कर दिया जाता है। आगे 47 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिंगुलर स्क्रैपर के कटिंग एज खालिस्तान ग्राइंडर होते हैं। तो 55 डिग्री से 60 डिग्री इसका आंसर है। कोणीय स्क्रैपर त्रिभुजाकार होता है। इसका आगे का सिरा टेपर में बनाकर शार्प पॉइंट के रूप में बना दिया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग शार्प कॉर्नर को साफ करने के लिए और अंदरूनी गोलाकार सरफेस पर किया जाता है। तो कोणीय स्क्रैपर के कटिंग एज 55 डिग्री से 60 डिग्री तक ग्राइंडर होते हैं। स्क्रैपर के प्रमुख भाग टेग, बॉडी, कटिंग एज और हैंडल होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पुल टाइप स्क्रैपर है। हुक स्क्रैपर फ्लैट स्क्रैपर के समान ही होता है, परंतु इसकी कटिंग एज कोने पर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी रहती है। इसका प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां फ्लैट स्क्रैपर उपयोगी सिद्ध नहीं होता। बड़े बड़े गोलाकार जॉबों की स्क्रैपिंग इसी से की जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें निम्न में से कौन से क्वालिटी नहीं होती? यह BHEL हैदराबाद में पूछा गया क्वेश्चन है। टेम्पलेट जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है, इसमें निम्न में से कौन सी क्वालिटी नहीं होती? तो टेम्पलेट यह जॉब पर मार्किंग के लिए प्रयोग की जाती है, यह या तैयार जॉब को जांचने के लिए प्रयोग की जाती है। यह अधिक शुद्ध नहीं होती। यह वर्कपीस के आकार की होती है तथा यह शीट, गत्ते या लकड़ी की बनाई जाती है और इसे हार्ड एवं टेम्पर नहीं किया जाता। 50 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रैपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्क्रैपर का प्रयोग मशीनिंग करने के पश्चात सतहों पर भी बचे हुए उभरे भागों को खुरच कर समाप्त करने के लिए जिन औजारों का प्रयोग किया जाता है उसे स्क्रैपर कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, ड्रिलिंग से पूर्व जॉब पर सेंटर मार्क करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? सेंटर पंच प्राय हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। सेंटर पंच पर इसके नुकीले भाग के अंतर्गत कोण 90 डिग्री रखा जाता है। इस पंच का उपयोग धातुओं में छेद कराने से पहले उस छेद के लिए केंद्र लगाने के लिए किया जाता है। सेंटर पंच की नोक का एंगल कितना होता है? सेंटर पंच का नोक का कोण नोक एंगल कितना होता है? सेंटर पंच का नोक का कोण 90 डिग्री, प्रिंक पंच का नोक कोण 30 डिग्री, बिंदु पंच का कोण 60 डिग्री होता है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ होता है? ट्राई स्क्वायर एक चेकिंग टूल है जिसकी सहायता से हम कोण 90 डिग्री की परख कर सकते हैं। इसके द्वारा सतह की समतलता भी जांच सकते हैं। इसका साइज ब्लेड की लंबाई से प्रकट किया जाता है। इसका स्टोक कास्ट आयरन और ब्लेड स्टील की बनी होती है। ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडरकट रखा जाता है। ट्राई स्क्वायर का अंडरकट इसलिए रखा जाता है ताकि जॉब के किनारे पर लगी वर्क को जगह मिल सके जिससे जॉब समकोण में बन सके। ट्राई स्क्वायर का हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। सेंटर पंच निम्नलिखित पदार्थ का बना होता है? तो सेंटर पंच हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसके पॉइंट को हार्ड वे टेम्पर कर दिया जाता है। आगे अंतिम क्वेश्चन आज का हमारा, सरफेस प्लेट डैश का बना होता है। सरफेस प्लेट ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। इसका प्रयोग कार्यखंड की समतलता की जांच करने के लिए करते हैं। इन प्लेटों के द्वारा हम 0.025 तक समतलता जांच करते हैं।
सरफेस प्लेट वर्गाकार या आयताकार आकार का बना होता है। इसका प्रयोग जॉब की सरफेस को चेक करने के लिए और छोटे छोटे जॉबों पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो इन फ्रेंड सर्कल। सत श्री अकाल।